फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये टेप रोल से कुछ DIY। तो हमारे घर में ये टेप रोल काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और जब हमारे फर्नीचर का काम चलता है और ये टेप आते हैं तो और भी ज़्यादा मेरे यहाँ तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे जब फर्नीचर का काम चला था। इसीलिए मैंने इनको सब इकट्ठा करके अपने पास रख लिया था, फेंका नहीं था। तो उसी से आज हम DIY बनाने वाले, ताकि अगर आपके पास भी अगर ज़्यादा ना हो, अगर एक आध भी हो तो भी आप DIY बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये DIY हैंगिंग बनाया है जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास एक टेप रोल भी है ना तो आप उससे भी बना सकते हो, और ये बनाने में ईजी भी और बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें एक कार्डबोर्ड कट करके इसमें पीछे चिपका दिया है, एंड हैंगिंग के लिए मैंने टैसल्स बना के और मोती लगा दिए, उसके बाद इसको कलर कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पर सुपर ड्राई क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जल्दी की वजह से सुपर क्ले का यूज़ किया है क्योंकि ये कलरफुल होती है और इसको कलर करने की ज़रूरत भी नहीं होती और जल्दी से ईजी टू मेक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आउल बनाया है। आप चाहे तो कोई बर्ड वगैरह और कोई दूसरी बर्ड भी बना सकते हैं। एंड फिर इसमें हमने छोटे छोटे फ्लावर्स और लीव्स बनाकर इसमें चिपका दिए हैं। एंड इस तरह से हमारा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 और बना सकते हैं इसके साथ में, तो मैं इसके साथ में और बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर टेप रोल लिया है, एंड इसको ना आपस में मैंने इनको जो मैंने लिए हैं 4 टेप रोल्स, और इसको हम आपस में चिपका देंगे। मैं यहाँ पे चिपकाने के लिए ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूँगी कि आप या तो फिक्स बॉन्ड का यूज़ करें या फिर फेविकॉल का यूज़ करें। एंड अब मैं यहाँ पर सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, कार्डबोर्ड लेकर उसको कट कर रही हूँ उसी शेप में। एंड उसके बाद इस कार्डबोर्ड का सर्कल कट करके मैं इसके पीछे चिपका दूंगी। तो इस तरह से ये बनके मैंने इसको रेडी कर लिया था। इसको सूख जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर फेविकोल का अप्लाई करूँगी। तो मेरे पास ना एक फेविकोल का बॉक्स था तो मैं उसी में से यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कुछ स्ट्रॉज थी जो कि मेरे पास कुछ नहीं क्योंकि बहुत सारी रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी यूज़ कर लिया जाए। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप पेपर की रोल्स बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा काम इजी हो गया इसको लगाने से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है पेपर रोल से। पेपर रोल बनाओ उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉज चिपका ली थी, उनको जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉज हैं उनको हम कट कर लेंगे। तो ये स्ट्रॉ भी हमारे काम आने वाली है, इनको मैं फेंकूँगी नहीं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया था। तो अब इसको थोड़ा सा और डार्कर बनाने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, कलर स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। स्ट्रॉ का कलर थोड़ा सा लाइट था इसलिए। तो कलर सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की एक लेस ली है, और अब मैं इसको यहाँ पर साइड में चिपका दूँगी ताकि इसका जो अनइवन सरफेस है वो छिप जाए। इस तरह से मैं यहाँ पर ये लेस को चिपका दूंगी अच्छे से। इसी तरह से हम नीचे भी चिपकाएंगे इसको। अगर आपके पास जूट रोप है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई और कलर यूज करना है तो आप वो कलर भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे आर्टिफिशियल, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसको डेकोरेट करने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ फ्लावर्स ही लगाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। कभी कभी कुछ चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती है, तो बस मैं यहाँ पर इसको सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो ये कलरफुल फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने चारों ओर इस तरह से लगा दिए।
चलिए हम आपको इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो मैंने इसको एज अ पेन होल्डर या आप चाहे तो उसको फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। तो अब आ रही है हमारे थर्ड DIY की। तो जिस तरह से हमने पेंसिल होल्डर के लिए एक सेट रेडी किया था, उसी तरह से मैंने इसके लिए भी एक सेट रेडी कर लिया, पहले से ही रेडी करके रखा था। तो अब मैं यहाँ पर भी इस तरह से कार्डबोर्ड को चिपकाऊंगी। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका बेस को कवर करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट कलर कर रही हूँ। अगर आपके पास जेसो है तो आप जेसो अप्लाई करें, मेरा जेसो खत्म हो गया था इसलिए मुझे व्हाइट कलर अप्लाई करना पड़ा। तो हल्का हल्का मैंने यहाँ पे कलर को अप्लाई कर दिया एंड अब मैं उसको सूखने के लिए रख दूंगी। देन जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ब्राउन कलर किया हुआ है। तो ब्राउन कलर काफ़ी मेरे पास, मैंने ज़्यादातर हमेशा कलरफुल चीज़ें ही बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा एक कलर में ही डिज़ाइन रखूँगी, ज़्यादा तामझाम या कलरफुल नहीं बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ब्राउन कलर किया है एंड इसके ऊपर अब मैं कुछ पेंटिंग करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल ईजी सी, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये रोप लगा रही हूँ, मेरे पास नायलॉन का थ्रेड था वो लगा रही हूँ। अगर आपके पास जूट रोप है तो आप वो जरूर लगा लें। तो इसको हम लपेट देंगे, अगर आप चाहें तो इसको हाफ में भी लपेट सकते हो। तो मैंने इसको हाफ में तो नहीं लपेटा, सिर्फ इतना ही इसको लपेटा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ली पेंटिंग टाइप से, मतलब एकदम वर्ली पेंटिंग तो नहीं है बट हाँ कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ वाइट कलर से, ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो वाइट पेन का भी यूज कर सकते हो। तो बस मैं इस तरह से जिगजैग पैटर्न ही बना रही हूँ, जिगजैग पैटर्न सर्किल और लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, दैट्स इट। अब मैं नीचे से इस तरह से लाइन ही ड्रॉ करूंगी। ये आपको देखने में काफी टाइम टेकिंग लग रहा होगा बट ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ शी शेल्स ले रही हूँ और इसको डेकोरेट करने के लिए नीचे। तो मैं यहाँ पे जहाँ पर मैंने ये इस तरह का थ्रेड लगाया था वहां पर मैं ये शी शेल्स लगाऊंगी। और ये काफी डिफरेंट लग रहा था बनने के बाद, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको आप एज अ फ्लावर वास या फिर अपने पैन होल्डर या ब्रश होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हो आप। चलिए आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसमें रियल प्लांट भी रख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।